नमस्कार, मैं अशोक हरदीप और आप देख रहे हैं GPN24। अमेरिकी राज्य हवाई के जंगलों में लगी आग भीषण होती जा रही है। आग की वजह से अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। आग की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा शहर की 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार आग की वजह से लाहौना शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हवाई के गवर्नर जॉश ग्रीन ने बताया कि 16 लाख की आबादी वाले लाहौना शहर में मची तबाही के बाद इसे फिर से खड़ा करने में कई साल और अरबों रुपए लग जाएंगे। वहीं इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फंड जारी किया है। बताया जा रहा है कि आग प्रभावित इलाकों से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें कई सेनानी भी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका के हवाई प्रदेश की अब तक की यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इस आग में करीब 1,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल चुकी हैं। वहीं स्टेट के कई लोग बेघर हो चुके हैं। इस आग में अमेरिका का सबसे बड़ा और 150 साल पुराना बरगद पेड़ भी जल चुका है। इससे पहले 1961 में एक समुद्री लहर में 61 लोगों की मौत हुई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GPN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GPN24 न्यूज़।